हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमसीबी। फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ 10 मिनट में हाथफुल बनाएंगे। यहाँ पे हमने निडल लिया है 9 नंबर 0.85 mm का है। उसके बाद 10 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है और इसमें हमने कुछ बीड्स पास कर लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के पर्ल्स हैं। यहाँ पे आप इनसे भी थोड़े से बिग साइज़ के पर्ल्स, बीड्स कुछ भी ऐड करके इन हाथफुल को बना सकते हैं। कस्टमर के रिक्वेस्ट में मैंने ये कुछ नया ट्राई किया है। फ्रेंड्स, हमें इन 10 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड को एक नॉट डाल लेना है और सिल्क थ्रेड को नीडल में दो बार राउंड लेते हुए थ्रेड लेके बाहर आना है। एक नॉट बन जाएगा। उसके बाद एक चेन स्टिच वर्क करना है। उसके बाद एक बीड को स्लाइड करते हुए पहले हम इस बीड को लॉक कर देंगे। उसके बाद एक और बीड को स्लाइड करके इसे भी हमें लॉक कर लेना है। नेक्स्ट, हमें इन पर्ल्स को टर्न करते हुए ये जो फर्स्ट वाला पर्ल है इसके ऊपर ये जो थ्रेड है इसमें से निडल को पास करके धागा बाहर लाना है और इन दोनों लूप्स को हमें एक कर देना है। उसके बाद एक और पर्ल स्लाइड करते हुए इसे हम पहले लॉक कर लेंगे। नेक्स्ट, हमें इन सभी सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए इस पर्ल को टर्न कर लेना है। ये जो सेकेंड वाला पर्ल है इसके ऊपर इस थ्रेड में से निडल को पास करते हुए धागा बाहर ला के एक नॉट बनाएंगे। नेक्स्ट, हमें इस बीड को स्लाइड करते हुए इसे पहले लॉक कर लेना है। इसके बाद इस पर्ल को टर्न करते हुए थर्ड वाले पर्ल में से नीडल को पास करके धागा बाहर लाके एक नॉट बनाना है। एक और पर्ल स्लाइड करते हुए इसे लॉक कर लेंगे। इस लेस को हमें टर्न कर लेना है और इसके पहले वाला ये जो पर्ल है इसमें से नीडल को पास करके धागा बाहर लाना है इस तरीके से। और अब इन दोनों लूप्स को हमें एक कर लेना है। नेक्स्ट, हमें एक और मीडियम साइज़ का पर्ल स्लाइड कर लेना है और इस पर्ल को नीटली हम लॉक कर लेंगे। नेक्स्ट, हमें इस लेस को टर्न कर लेना है और ये जो पर्ल है इसमें से नीडल को पास करते हुए धागा बाहर लाएंगे और इन दोनों लूप्स को एक करते हुए एक सिंगल क्रोशेट वर्क करना है। फिर से एक बीट स्लाइड करते हुए इसे हम पहले लॉक कर लेंगे। इस लेस को टर्न करके धागा बाहर लाएंगे और एक सिंगल क्रोशेट वर्क करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पर्ल्स है इन पर्ल्स को हमें बहुत ही टाइटली लॉक करना है, बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है। इस तरीके से टाइट लॉक करने पर ये बीड्स ये लेस बहुत ही नीटली आएगा। देख सकते हैं, दोनों लूप्स को एक करके एक नॉट डाल लिया है। नेक्स्ट, हमें इस बीड को स्लाइड करते हुए एक लॉक बनाना है। एक टाइट लॉक बनाने के बाद इस लेस को हम टर्न कर लेंगे और ये पहले वाला पर्ल है इसमें से नीडल को पास करके धागा बाहर लाके एक सिंगल क्रोशेट वर्क करेंगे। इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे टोटल 60 बीड्स ऐड करते हुए रिस्ट के अकॉर्डिंग हमें इस लेस को बनाना है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें एक और बीड स्लाइड करते हुए इसे लॉक कर लेना है। लेस को टर्न करने के बाद यहाँ पे ये जो सिल्क थ्रेड है इसमें से नीडल को पास करके धागा बाहर लाएंगे और इन दोनों लूप्स को एक करेंगे। ये एक सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। इसी तरीके से एक और पर्ल पास करते हुए इसे लॉक करके लेस को टर्न कर लेना है और ये जो सिल्क थ्रेड है इसमें से नीडल को पास करके धागा बाहर लाएंगे और इन दोनों लूप्स को एक करते हुए सिंगल क्रोशेट वर्क करना है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग लेस बना लिया है। रिस्ट के अकॉर्डिंग हमें इस लेस को बनाना है। नेक्स्ट, हमें दो चेन स्टिच एक्स्ट्रा वर्क करने हैं। इसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग थ्रेड एक्स्ट्रा, इस तरीके से थोड़ा सा लॉन्ग थ्रेड छोड़ते हुए एक्सेस थ्रेड को कट कर लेना है और इस धागे को हम बाहर लाएंगे। ये एक नॉट बन जाएगा। इस तरीके से हमें एक टाइट नॉट बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें एक और स्मॉल साइज का लेस बना लिया है। इसमें हमने टोटल मिनिमम 60 बीड्स ऐड किए हैं और इसमें हमें मिनिमम 30 बीड्स ऐड किए हैं। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, इस स्मॉल साइज़ के लेस को हमें थोड़ा लॉन्ग सिल्क थ्रेड एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है बिकॉज इसमें हमें स्मॉल साइज़ के पर्ल्स जो हैं मिनिमम 25-30 पर्ल्स इसमें हमें इन सिल्क थ्रेड में पास कर लेने हैं। देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद इन्हें हमें टर्न करते हुए यहाँ पे जो दो चेन स्टिच है इसमें से नीडल को पास करके नॉर्मल नीडल में हमने इसे लॉक कर लेना है। इस तरीके से ये फिंगर पे आएगा। सो, हमें यहाँ पे स्मॉल साइज़ के पर्ल्स ऐड करने हैं और एक दो अच्छे से टाइट नॉट्स बनाते हुए इसे हमें
लॉक कर लेना है एक टर्न लेते हुए, इन सिल्क थ्रेड में से नीडल को पास करके एक और नॉट बनाना है। उसके बाद नीडल हम निकाल देंगे और एक टाइट नॉट बनाएंगे। नेक्स्ट हमें एक्स्ट्रा ये जो सिल्क थ्रेड है फैब्रिक ग्लू की मदद से इसे हमें स्टिक कर लेना है। नेक्स्ट हमें ये जो रिस्ट वाला लेस है, इस लेस के वन साइड चेन्स और वन साइड हुक अटैच करना है। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे इन दोनों को अटैच करने के लिए 10 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड यूज़ किया है। इस हुक में से नीडल को पास करके धागा बाहर लाएंगे और एक नॉट बनाएंगे। इसी तरीके से इस हुक में से एक बार फिर से नीडल को पास करके एक और लॉक बनाना है। इस तरीके से दो नॉट्स बनाने के बाद इस लेस का ये जो फर्स्ट वाला पर्ल है, इसके मिडल में ये जो सिल्क थ्रेड है, यहाँ पे हमें नीडल को पास करते हुए इस हुक को अच्छे से स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स इस हुक को स्टिच करने के लिए हमें सिल्क थ्रेड ही यूज़ करना है, बिकॉज सिल्क थ्रेड शाइनी होता है, कॉटन थ्रेड मैट होता है, तो ये बिल्कुल भी ऑड लगेगा। सो हमने सिल्क थ्रेड ही यूज़ किया है। इसे हम इस तरीके से अच्छे से स्टिच कर लेंगे। नेक्स्ट हमें इसी तरीके से यहाँ पे इस चेन को भी हमें अटैच कर लिया है फ्रेंड्स। और अब नेक्स्ट हमें ये जो एक और लेस है इसे हमें इनके सेंटर में, ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे इनके सेंटर में इस थ्रेड की मदद से इसे हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स अब ये देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ईजी है, 10 मिनट्स में आप इजीली बना सकते हैं। कुछ डिफरेंट, कुछ नया ट्राई किया है, पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑल्सो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, चैनल को भी पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करते हुए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करते हुए ऑल पे क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।